तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों वीवो ने अपना वीवो यू 10 का सक्सेसर वीवो यू 20 को हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों वीवो ने अपना वीवो का नया फ़ोन वीवो यू 20 को हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वीवो यू 20 के बारे में बातें करने वाले हैं। मतलब दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि वीवो ने वीवो यू 20 के दोबारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, फोन का प्राइस क्या होने वाला है, फोन वैल्यू फॉर मनी होने वाला है कि नहीं, फोन का वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सारा चीज़ के बारे में दोस्तों वीडियो हम लोग बातें करने वाले हैं। एक्चुअली दोस्तों वीवो यू 20 बहुत एक अच्छे फोन होने वाला है, बहुत एक बेहतर फोन होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आपको अगर वीवो यू 20 के बारे में सारा चीज़ बढ़िया से जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। ऐसे में कहा दोस्तों आप जो है वीवो यू 20 के बारे में सारा चीज़ बढ़िया से जान पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं वीवो के नया फोन वीवो यू 20 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। दोस्तों फोन में आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन, मतलब फोन का जो बॉडी है प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसे में उनका पीछे में आपको जो है दोस्तों ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएगा, और साथ में ग्रेडियंट कलर भी आपको पीछे तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में पीछे तरफ जो एजेस जैसे कर्व होने वाला है, और साथ में इस फोन का पीछे में आपको तीन कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो इसमें तीनों कैमरा को ऊपर तरफ लेफ्ट कॉर्नर में से वर्टिकली फिक्स करा गया है, और कैमरे के नीचे आपको देखने को मिलता है एलईडी फ्लैश। और दोस्तों इस फोन का पीछे में आपको जो एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और जहां तक बात रहा सामने तरफ की, तो इस फोन का सामने में आपको जो 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप। और साथ में डिस्प्ले का चारों तरफ आपको बेजल्स काफी कम छोड़ा गया है, और दोस्तों डिस्प्ले के नीचे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में ओवरऑल जहां तक बात रहा फोन का डिजाइन की, दोस्तों फोन बहुत ही अच्छे दिख रहा है, बहुत ही बेहतर दिख रहा है। मतलब पीछे में आपको कर्व एजेस देखने को मिल जा रहा है, ग्लॉसी फिनिश आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जा रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल जहां तक बात रहा फोन का डिजाइन की, फोन का लुक की, दोस्तों फोन जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बेहतर दिख रहा है। तो दोस्तों ये बातें कर लेते फोन के डिस्प्ले के बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स लिए। तो जहां तक बात रहा डिस्प्ले की, तो फोन में आपको 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है ना, इसमें आपको फुल एच डी प्लस के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। हाँ दोस्तों फोन का जो डिस्प्ले, इसमें आपको एच डी प्लस नहीं, फुल एच डी प्लस के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है ना, ये एक आपका आईपीएस डिस्प्ले होने वाला है। साथ में फोन का डिस्प्ले आपको पांडा MN228 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 जो है ना उससे भी बेहतर है। मतलब दोस्तों हार्डनेस टेस्ट में जो आपका गोरिल्ला ग्लास 5 है ना, इससे भी बेहतर देखने को मिला पांडा MN228। मतलब दोस्तों यहाँ जो आपका गोरिल्ला ग्लास 5 से भी बेहतर डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहाँ यूज किया गया है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों पांडा MN228 जो है आपका गोरिल्ला ग्लास 5 से भी बेहतर प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको वीवो यू 20 में देखने को मिल जाता है। मतलब ओवरऑल जहां तक पता फोन का डिस्प्ले दोस्तों बहुत एक बेहतर डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि दोस्तों फुल एच डी प्लस के रेजोल्यूशन मिल रहा है फोन का डिस्प्ले में आपको। साथ में आपका जो है प्रोडक्शन भी अच्छे खास यूज किया गया है, और आईपीएस डिस्प्ले होने वाला है, और 6.53 इंच का मतलब बड़ा सा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जा रहा है फोन में। तो ओवरऑल जहां तक पता फोन का डिस्प्ले दोस्तों बहुत अच्छा डिस्प्ले फोन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब फोन का जो डिस्प्ले है ना, इसका व्यूज एंगल वगैरह, उसके बाद दोस्तों जो आपका ब्राइटनेस वगैरह अच्छे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जहां तक पता फोन का डिस्प्ले के, तो अच्छे खासे डिस्प्ले फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये बातें कर लेते फोन के प्रोसेसर के बारे में, मतलब फोन का परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है उसके बारे में। तो जहां तक बात रहा प्रोसेसर की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। और जहां तक बात रहा जीपीयू की, जिसमें आपको देखने को मिलता है एडिनो 612 जीपीयू। दोस्तों ऐसे में जहां तक बात रहा फोन का अंतुतु स्कोर की, तो फोन में आपको जो है दोस्तों 1,80,000 से भी ऊपर अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों फोन का जो परफॉर्मेंस है ना, जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। फोन में आप जो पबजी जैसे हैवी ग्राफिक्स वाले गेम को बड़े आराम से खेल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में फोन में आपको यूएफएस 2.0 टाइप का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और जो रैम है ना दोस्तों ये भी अच्छे खासे होने वाला है। मतलब फोन में आपको जो है LPDDR4X टाइप का रैम देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों फोन का जो स्पीड है ना, बहुत जबरदस्त होने वाला है, आपको स्टोरेज टाइप भी अच्छे देखने को मिल जा रहा है। जो रैम है भी आपको अच्छे खासे, मतलब रैम का जो क्वालिटी है दोस्तों भी अच्छे खासे होने वाला है, क्योंकि LPDDR4X रैम आपको फोन में देखने को मिल जा रहा है। तो ओवरऑल जहां तक बता फोन का परफॉर्मेंस की, दोस्तों बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस फोन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब गेमिंग वगैरह बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और डेली लाइफ में भी दोस्तों कोई भी काम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों फोन का जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि फोन का जो प्रोसेसर है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये बातें कर लेते हैं फोन के कैमरा के बारे में। तो जहां तक बता रहा कैमरा की, तो फोन का पीछे में आपको जो है तीन कैमरा का सेटअप देने को मिल जाता है, जिसमें से मेन कैमरा हो गया दोस्तों 16 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 8 मेगापिक्सल का, तीसरा हो गया 2 मेगापिक्सल का। तो ऐसे में जो 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा, इसमें आपको f/1.8 कैपेचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है IMX499 कैमरा सेंसर। और जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा, ये दोस्तों एक वाइड एंगल लेंस होने वाला है, जिसका मदद से आप जो दोस्तों माइक्रोशॉट भी ले पाएंगे। और जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा, एक्चुअली जो एक डेप्थ सेंसर होने वाला है। और दोस्तों फोन का कैमरा में आपको बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका नाइट मोड हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, ब्यूटी मोड हो गया, बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएगा, जिसका मदद से आप दोस्तों अच्छे अच्छे फोटो खींच पाएंगे। मतलब फोन का जो कैमरा ना बहुत अच्छा होने वाला है, आपको वाइड एंगल लेंस मिल जा रहा है, साथ में आपको डेप्थ सेंसर मिल जा रहा है अलग से, और मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो ओवरऑल जहां तक बता फोन का कैमरा की, दोस्तों अच्छे खासे कैमरा फोन में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों बातें कर लेते फोन के सेल्फी कैमरा
के बारे में। तो जहां तक बात रहा सेल्फी कैमरा का, तो फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है f2.0 का अपर्चर। और साथ में सेल्फी कैमरा में आपको जो तरह तरह के मोड देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जहां तक बात रहा फोन का सेल्फी कैमरा दोस्तों, अभी जो बहुत अच्छे होने वाला है, मतलब दोस्तों फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना, चाहे बैक कैमरा हो चाहे सेल्फी कैमरा हो, दोनों कैमरा का परफॉर्मेंस दोस्तों आपको जो बहुत अच्छे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। दोस्तों ये बातें कर लेते फोन के बैटरी के बारे में। तो जहां तक बात रहा बैटरी की, तो फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, फोन का जो बैटरी है ना, ये जो है 5000 mAh के होने वाला है। साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है माइक्रो एसडी पोर्ट, लेकिन दोस्तों फोन के बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट के एक फास्ट चार्जर प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों 5000 mAh की बैटरी, मतलब डेढ़ दिन दो दिन आपको आराम से दे देगा बैटरी बैकअप, कोई दिक्कत नहीं है। और हैवी यूज में दोस्तों फिर भी जो है एक दिन तो बड़े आराम से चल जाएगा। और साथ में माइक्रो एसडी है, लेकिन दोस्तों 18 वाट के एक मतलब एक फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, मतलब बैटरी के मामले में दोस्तों थम्स अप। और साथ में फोन में आपको सारे का सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा, मतलब कोई भी सेंसर फोन में आपको मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, मतलब दोस्तों फोन में आप जो है 2 सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड को बड़े आराम से लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है Android 9.0, मतलब Android 5 जो है फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको देखने को मिल जाएगा FunTouch OS 9.2 के सपोर्ट। और साथ में फोन में आपको डार्क मोड वगैरह देखने को मिल जाता है। और दोस्तों कैमरा डुअल पे भी सपोर्ट जो फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, और Wide 1 L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। दोस्तों बातें कर लेते फोन के प्राइस के बारे में। तो जहां तक प्राइस के दोस्तों, फोन आता है आपका दो वेरिएंट का, जिसमें से एक हो गया आपका 4GB RAM 64GB स्टोरेज, दूसरा हो गया आपका 6GB RAM 64GB स्टोरेज। तो ऐसे में जो 4GB 64GB वेरिएंट है, उसका दाम आज के रेट में हमारे इंडिया में 10,999, मतलब ऑलमोस्ट 11,000 रुपया। और जो आपका 6GB 64GB वेरिएंट है, उसका दाम दोस्तों आज के रेट में हमारे इंडिया में 11,999, मतलब ऑलमोस्ट 12,000 रुपया। मतलब दोस्तों फोन का प्राइस भी जो अच्छे खासे रखा गया है, मतलब वीवो U10 का प्राइस जो है 10,000 रुपये के नीचे था, लेकिन इस फोन का प्राइस 10,000 से थोड़ा सा ऊपर में है। लेकिन दोस्तों फोन का जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये भी गजब का है, मतलब प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिल जा रहा है। साथ में जो डिस्प्ले है ना, इसमें आपको फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन मिल रहा है। 5000 mAh का बैटरी भी है, मतलब फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के अंदर में आपको दिया गया है दोस्तों। तो ओवरऑल जहां तक पता फोन के दोस्तों, फोन एक अच्छे फोन होने वाला है, एक वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है। प्रोसेसर देखा जाए, बैटरी देखा जाए, डिस्प्ले देखा जाए, दोस्तों बहुत अच्छे होने वाला है। कैमरा भी आपको डिसेंट देखने को मिल जा रहा है। तो फोन का आप दोस्तों प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आपका बजट अगर 10-11 हज़ार के अंदर में है, तो फोन का बड़े आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। लंबे बैटरी वाले फोन अगर आपको चाहिए दोस्तों, फोन का प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोन एक अच्छे फोन होने वाला है। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से फोन को आप अच्छे फोन कह सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब आप अगर पबजी वगैरह खेलना चाहते हैं, लंबे बैटरी लाइफ चाहिए आपको, आपको अच्छे खासे डिस्प्ले चाहिए दोस्तों, फोन का प्रोसेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फोन जो अच्छे फोन होने वाला है। तो दोस्तों ये सर बात आपसे करने वीवो का नया फोन वीवो U20 के बारे में, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, ये जो जानकारी है ये आपको अच्छा लगा हो। ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।